to change their mind. Cause you were sweet and looking like you care, boy. That was hard to find. सो हे गाइस, वेलकम टू दी रैश केयर। स्वागत है आपका रैश केयर के इस एक और नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग किस बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज की ऑल न्यू पल्सर 250F के बारे में। इस बाइक के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, कब तक ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी, किस प्राइस पॉइंट के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा और क्या क्या नए चेंजेस आपको इस बाइक में देखने मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बजाज जैसी कंपनी जो कि बहुत सालों के बाद कोई अपनी बाइक्स को अपग्रेड करती थी, वो अपनी अभी सभी बाइक्स को टाइम टू टाइम अपडेट कर रही है, चाहे बात करें उनके कलर्स को लेकर, ग्राफिक्स को लेकर या फिर कुछ भी नए छोटे मोटे चेंजेस के साथ वो लोग अपनी बाइक्स को अपग्रेड करना स्टार्ट कर दिए है। और गाइस, 220F के बारे में अब जो न्यूज आ रही है उसके बारे में यह बताया जा रहा है कि इस बाइक को एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है, जो कि है इस बाइक को 220 से शिफ्ट करके 250cc इंजन के साथ इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा। तो गाइस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होने वाली है कि 220F के जो फैन फॉलोइंग है उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि उनको फाइनली अब 250cc इंजन के साथ देखने मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के डिजाइन और लुक्स के बारे में। तो गाइस, बताया जा रहा है इस बाइक के जो डिजाइन और लुक्स है वो कम्प्लीटली आपको चेंज देखने मिलने वाले है। चाहे बात करें इसके ग्राफिक्स, इसके लुक्स और इसकी जो फेयरिंग है वो कम्प्लीटली आपको चेंज देखने मिलेगी। हाँ, थोड़े बहुत डिजाइन एलिमेंट्स आपको 220F से सिमिलर देखने मिल सकते हैं, बाकी ऑलमोस्ट इस बाइक को पूरी तरह से चेंज किया जाएगा। और गाइस, बताया जा रहा है जो मेन चेंज होगा वो इसके फ्रंट में होगा, जहां पर बताया जा रहा है इस बार आपको इस बाइक के फ्रंट में डबल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने मिलेंगे, जिससे इस बाइक के जो लुक्स है वो और भी ज्यादा एनहांस होने वाले हैं। फ्रंट से इस बाइक को और भी ज्यादा शार्प लुक मिलने वाला है फ्रंट से, जिस तरह से आपको RS 200 एक फ्रंट लुक है उसका एक अलग ही देखने मिलता है, उस तरह से 250F का भी लुक देखने मिलने वाला है। और गाइस, फ्रंट के साथ ही साथ बताया जा रहा है इस बाइक की जो फेयरिंग है वहां पर भी आपको काफी सारे चेंजेस देखने मिलने वाले। फेयरिंग की डिजाइन में भी बताया जा रहा है आपको नए चेंजेस देखने मिलेंगे, जिसकी डिजाइन को कम्प्लीटली बताया जा रहा है चेंज करने वाले हैं बजाज, और उसके जो ग्राफिक्स होंगे वो भी आपको कम्प्लीटली न्यू देखने मिलने वाले हैं। इस तरह के ग्राफिक्स आपने बजाज के अब तक किसी भी बाइक में नहीं देखे होंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस, बताया जा रहा है इसमें आपको 248.7cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC यानी कि डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट वाला इंजन देखने मिलेगा, जो कि डायरेक्टली BS6 नॉर्म के साथ आपको ऑफर किया जाने वाला है। वहीं बात करें इस इंजन के पावर आउटपुट्स के बारे में, तो गाइस, बताया जा रहा है 28 से लेकर 29 HP तक का आपको इसमें मैक्सिमम पावर देखने मिल जाएगा, एंड 24 से लेकर 25 न्यूटन मीटर तक आपको मैक्सिमम टॉर्क देखने मिलने वाला है। ये इंजन आपको 6-speed गियरबॉक्स ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जाएगा। और गाइस, ये जो 250cc वाला इंजन आने वाला है यही सेम इंजन बताया जा रहा है जो इनकी NS 250 आने वाली है, और जो RS 250 आने वाली है उसमें भी आपको सेम इंजन देखने मिलेगा। और गाइस, ये इंजन ऐसा मत समझना कि जो डोमिनार 250 आती है वही सेम इंजन होगा, नहीं, ये इंजन रीट्यून किया जाने वाला है इन बाइक्स के लिए, जिसमें आपको और भी ज्यादा पावर आउटपुट्स देखने मिलेंगे और भी ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क अमाउंट देखने मिलने वाला है। अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक। हे गाइस, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत से लोग यार मुझसे पूछते हो भाई आप अपने डेली के जो भी कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस वो किस तरह निकालते हो। तो गाइस, ये सब पॉसिबल हो पाया एक एप्लीकेशन की मदद से जिसका नाम है बेनोमो। यहाँ पर मैं ट्रेडिंग करके अपने डेली के जो भी कुछ छोटे मोटे खर्चे वो निकाल लेता हूँ, तो प्रैक्टिकली दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह ट्रेडिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एसेट सेलेक्ट करना होगा, जिसमें मैं क्रिप्टो IDX को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक है रियल अकाउंट, दूसरा है डेमो। तो मैं यहाँ पे अपने रियल मनी से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रियल अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 1500 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको प्रिडिक्शन करना है कि जो ग्राफ है अप जाएगा या डाउन। तो मुझे लगता है जो ग्राफ है अप जाएगा, तो सिंपली मैं यहाँ पर अप पर क्लिक कर दूंगा, एंड उसके बाद मुझे कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे पैसे अर्न कर लिए, और गाइस जो भी पैसे आप लोग यहाँ से अर्न करोगे उसे डायरेक्टली आप लोग अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल भी कर सकते हो, और इनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो इन फ्यूचर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। और गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिनोमो एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको लॉस भी हो सकता है, इसलिए अगर आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो फ्री में आपको डेमो अकाउंट में $1000 मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना सीख सकते हो उसके बाद अपने रियल अकाउंट से। तो जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको इस एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए।
साइज के बारे में। तो गाइस बताया जा रहा है फ्रंट एंड रियर दोनों में ही आपको 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने मिल जाएंगे इस बाइक के साथ। और गाइस इसी के साथ फ्रंट एंड रियर में बताया जा रहा है आपको सिंगल डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएगी। फ्रंट में बताया जा रहा है 300 mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने मिल सकती है और पीछे की तरफ आपको 230 mm की सिंगल डिस्क ब्रेक देखने मिल जाएगी। और इसी के साथ इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS भी ऑफर किया जाएगा। बात करें इस बाइक के सस्पेंशन सेटअप के बारे में तो गाइस एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है फ्रंट में आपको 37 mm के USD फोर्क देखने मिल सकते हैं एंड रियर सस्पेंशन में आपको एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट्रोक्स देखने मिल जाएंगे। बात करें पल्सर 250F के कुछ टॉप फीचर्स के बारे में तो गाइस बताया जा रहा है इसमें स्लीपर क्लच, रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें सभी तरह के इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिल जाएंगे, चाहे बात करें गियर पोजिशन इंडिकेटर और जितने भी इंडिकेशन है सभी इंडिकेशन आपको डिजिटल फॉर्म में देखने मिलने वाले है। अब फाइनली बात करते हैं इस बाइक के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। तो गाइस इसकी प्राइस बताई जा रही है 1,80,000 से लेकर 1,90,000 तक इसकी एक्स शोरूम प्राइस हमें इंडिया में देखने मिल सकती है। और वहीं बात करें इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो गाइस बताया जा रहा है इसी साल के फेस्टिवल सीजन या फिर इस साल के एंड तक ये बाइक हमें ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। अब गाइस NS250 फर्स्ट आती है या फिर पल्सर 250F ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बजाज के तरफ से आपको 250cc इंजन के साथ पल्सर सीरीज में एक बाइक तो जरूर डेफिनेटली इस साल लॉन्च होते हुए दिखने वाली है। बाकी अगर COVID-19 लॉकडाउन इन सब का सिनेरियो इसी तरह चलते रहा तो हो सकता है ये बाइक भी हमें इस साल लॉन्च होते हुए ना दिखे, फिर तो ये बाइक हमें अगले साल यानी कि 2022 में ही इंडिया में लॉन्च होते हुए दिखेगी। क्योंकि इस टाइम पर गाइस कोई भी टू व्हीलर कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर रही है इंडिया में, क्योंकि सभी का ऑलरेडी सेल्स मार्केट डाउन हुआ पड़ा है, तो ऐसे में कोई भी कंपनी अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं करेगी। बाकी इस बाइक के रिगार्डिंग और कोई भी न्यूज आती है तो मैं आप लोगों को जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। It's all about how you were with my parents. Yeah, it changed their mind.